The reason why I thought of meeting you people is that there are two things. One, whatever the government is doing, we want to inform you and to use your media facilities to tell people what we are doing and what they should do, and also to find from you what is happening in the city, what are your suggestions, because you are also source of information for us as to what exactly is happening on the field. We get government information, but information from you will be more impartial, and also suggestion from you. That is why I thought it is important that we should fight this battle together, and we should take your views, your suggestions, etc. The idea is to have fact-finding and not fault-finding. तो शुरू करते हैं. पहली खबर तो ये है जो आप लोगों को पहले बता दिया गया है कि एक केस जो डिटेक्ट हुआ है उसका डिटेल्स इस प्रकार है. कल रात 11:30 बजे कंफर्म किया गया है. ये लेडी है, नाम है मिस फिजा गुप्ता, 23 इयर्स लेडी. ये लंदन से आए थे संडे, और मंडे को इनका सिम्टम्स जब देखा गया तो उनको चेक किया गया हमारा मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ वो एडमिटेड हैं अभी भी, और उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया. तो ये अभी उनका सिम्टमेटिक ये नहीं है क्योंकि बहुत यंग अभी तो मीडिया में फोटो दिखाई गई थी कि खाली पड़ा हुआ है. आपको चला क्वेश्चन आ रहा है. सर, ये पूछा था हरियाणा गवर्नमेंट ने जैसे अपनी लॉन्ग रूट की बसेस को कल जो है उनको रोक दिया, तो हमारी बसेस भी कई स्टेट्स में जाती है, तो उसको लेकर कुछ ऐसा. आज हम स्टडी कर लेते हैं बसेस में कितना क्राउड है. पहले तो उनको कहा गया था डिस्टेंस पे बिठाइए. देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना सेफ्टी कर सके, पर इतना पैनिक रिएक्शन भी ना कर दें कि कोई जा ना सके. जनता का कन्वीनियंस तो पहले है, जिंदगी बड़ी बात है, मगर इसके बाद भी हमको ऐसे पैनिक रिएक्शन ना हो. हरियाणा ने लॉन्ग बसेस को रोका है, लॉन्ग रूट बसेस को, हम भी आज विचार कर लेते हैं इसको. टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को लेकर भी कोई डिसीजन हुआ है? क्योंकि टीचर्स का कहना है कि हमारे ऊपर भी ये चीज आज शाम तक फैसला कर लेंगे. टीचर चुपचाप आके स्कूल में बैठे हैं. मैम, सर महाराष्ट्र से 42 केसेस हैं, हमारा एयरपोर्ट पे इतना फोकस है, जो ट्रेन महाराष्ट्र और साउथ से आ रही हैं, क्या रेलवे रेलवे स्टेशन पे उनको कैसे चेक किया जा रहा है सर? देखिए, रेलवे स्टेशन को रेलवे अथॉरिटीज और एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटीज को डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन दिया है क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेना है. एरिया स्पेसिफिक महाराष्ट्र वालों को पकड़ लो, उड़ीसा वालों को छोड़ दो, बिहारी वालों को रोक लो, ऐसा भी आया नहीं. ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.